हेलो भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो कि कई सारे होंडा सिटी के अंदर इशू बनता है, या फिर कई होंडा सिटी के अंदर ये काम भी करता है और इशू भी बनता है, दोनों काम कर देता है कि कभी कभार तो आपको तंग करता है और कभी कभार आपको सही इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो मैं जो इस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है इसका, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आप देखो तो अभी यहाँ लाइट जल रही है इसकी, क्योंकि ये दिखा रहा है कि गाड़ी के अंदर जो टायर प्रेशर है वो लो हो रखा है। और मैंने अभी हफ्ते पहले ही इसके अंदर नाइट्रोजन डलवाई थी गाड़ी के अंदर, सारे 35-35 हवा भरवाई थी टायर के अंदर। वैसे 35-33 के अंदर इसकी हवा आती है, लेकिन मैं 35 भरवाता हूँ सभी टायरों के अंदर। अब देखते हैं, एक बार ये चेक करते हैं कि ये जो है लाइट जो है ये सही बता रही है कि गलत बता रही है, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हो चुका है और कई और होंडा सिटी ओनर्स के साथ भी ये हो चुका है कि ये जो लाइट है ये गलत दिखाती है। आधी बार टायर प्रेशर ठीक होता है, फिर भी ये अपने आप जल जाती है और आपको यहाँ से ये जो बटन दे रखा है यहाँ से आपको रीसेट करनी पड़ती है। देखो ये जो ये वाला बटन है नीचे वाला, यहाँ से आपको ये दबा के रीसेट करनी पड़ती है इस वजह से। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये सच्ची में आपको गलत टायर प्रेशर दिखाती है, ठीक दिखाती है। मेरे साथ पर्सनली 2-3 बार हो चुका है, ये हमेशा गलत दिखाती है। आज चेक करते हैं कि सही दिखाती है कि नहीं। मैंने पेट्रोल पंप पे भी चेक करवाया कि ये सही दिखा रही है कि गलत दिखा रही है। ये हमेशा गलत दिखाती है, गाड़ी के अंदर टायर के अंदर हवा होती है फिर भी ये अपने आप बत्ती जल जाती है और यहाँ से रीसेट करनी पड़ती है आपको। तो चलो एक बार चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर हवा है भी कि नहीं है। यहाँ से एक बार ये ऑन कर लिया, तो मैंने ना प्रेशर चेक करने के लिए क्या कर रखा है, एक ना पंप ले रखा है, ये इन्फ्लेटर से आई है, डिग्गी में पड़ा रहता है गाड़ी की इसका। ठीक है, ये चेक करते हैं कि ये टायर प्रेशर ठीक दिखा रहा है कि नहीं एक बार। तो अभी भाइयों मैंने इन्फ्लेटर लगा रखा है, अब देखते हैं कि ये प्रेशर कितना दिखाता है। अभी तो ये PSI में करते हैं, अब कितना PSI में 28.5 दिखा रहा है, जबकि मैं 35 डलवाता हूँ इसके अंदर। यूँ लगा लो कि 33 की तो आती है मिनिमम, इसमें भी रिकमेंड कर रखा है 33 PSI, लेकिन मैं 35 डलवाता हूँ इसके अंदर। तो इस टायर में तो ठीक दिखा रहा है, लेकिन 28.5 की टायर में हवा कम है। एक बार फ्रंट वाले में और चेक कर लेते हैं। अब मैं देख लो फ्रंट के अंदर लगाया है इस इन्फ्लेटर को और इसके अंदर क्या दिखा रहा है प्रेशर, ये 33.5, मतलब 35 डलवाता हूँ तो 33.5 पे आ रखा है। इसका मतलब सच्ची में गाड़ी के टायर में हवा कम हो रखी है। एक बार ना दूसरी तरफ के टायर जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली को ड्राइवर वाली तरफ के टायर्स और चेक कर लेते क्या उनमें भी हवा कम है। तो भाइयों मैंने को ड्राइवर वाली तरफ रियर टायर पे लगाया है, तो अब इसमें प्रेशर दिखा रहा है कि ये 34 PSI का प्रेशर इसके अंदर टायर के अंदर दिखा रहा है। जो हमने राइट साइड में देखा था, राइट साइड के जो रियर वाला टायर था इसके अंदर 28.5 PSI थी और फ्रंट वाले के अंदर लगभग 33-33.5 PSI थी, जो कि ठीक है मेरे ख्याल तो ये सही दिखा रहा है इस हिसाब से। तो बाकी एक बार आगे वाले में और चेक करते हैं को ड्राइवर वाले तरफ कि ये ठीक दिखाता है कि नहीं। बाकी ना कई बार ये माल फंक्शन भी करता है, हवा होने के बाद भी अपने आप बत्ती जल जाती है, चेक करा लो तो भी। मेरे साथ खुद के साथ 3-4 बार हो रखा है आज, मैं तभी मैंने सोचा आज चेक करते हैं और वीडियो बनाते हैं इस पे, आप लोगों को भी दिखाए कि सच्ची में करता है कि नहीं। कई लोग बोलते हैं और कई ओनरशिप रिव्यू में भी ये कहते हैं कि इसका जो ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। अब मैंने जो इन्फ्लेटर है वो फ्रंट में लगाया है को ड्राइवर वाली तरफ, तो अभी इसमें 34 PSI का प्रेशर दिखा रहा है। इसमें 34 दिखा रहा है, इसके अंदर 33.5 दिखा रहा है, मतलब यूँ लगा लो इसमें भी 34 ही दिखा रहा है ऑलमोस्ट, और इसमें 28.5। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कम है और उसमें 33.5, इस टायर के अंदर सबसे ज़्यादा कम हवा है। तो सही लग रहा है मुझे तो, अभी तक तो ठीक ही जली है कि टायर प्रेशर कम है इसीलिए जली है, जो कि अच्छी बात है। कई बार क्या होता है चलती चलती गाड़ी के अंदर ये एकदम से बोल देता है कि भाई टायर प्रेशर लो है, तो आदमी को ही लगता है कि एकदम से क्या हो गया, हवा एकदम से कैसे निकल गई चलती चलती की, एकदम से बत्ती जल जाती है। अब देखो तो अब इसका इलाज क्या है कि इसको रीसेट कैसे करें। अब यहाँ पे जलती ही तो अच्छी लग नहीं रही है, तो यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दे रखा है, देखो ये वाला जो बटन है ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, मैं इसको दबा के रख रहा हूँ। ये देखो ये बत्ती एक बार ब्लिंक करती है और फिर बंद होगी, ये रीसेट हो चुका है, अब ये यहाँ से हट चुकी है।
तो बत्ती थी वो रिसेट करने के बाद बंद हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार ना गाड़ी बंद करके भी दिखा देता हूँ कि दोबारा आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखो गाड़ी बंद हो चुकी है, मैं इसको क्लच दबा के स्टार्ट करता हूँ, नहीं आ रही बत्ती। रीसेट करने के बाद यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रही ना, कुछ भी नहीं कर रही, यहाँ से हट चुकी है परमानेंटली वो। अब दोबारा वो आएगी जब टायर प्रेशर और ज़्यादा लो हो जाएगा, तब वो दोबारा से आ जाएगी। यहाँ से आप उसका ये इलाज है कि आप यहाँ से जो है ये जो बटन है ट्रैक्शन कंट्रोल के नीचे वाला, यहाँ से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। बाकी एक बात जो मुझे होंडा की पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि यार लगभग यूँ लगा लो 13 लाख की ऑन रोड प्राइस पड़ता है इस गाड़ी का, वी मॉडल का। वी मॉडल का किसी भी वेरिएंट के अंदर, ZX वेरिएंट के अंदर भी, इसके अंदर जो है ना कोई भी टायर प्रेशर शो नहीं करता, बस ये बता देता है कि बत्ती जल जाती है यहाँ पे जल के कि भाई टायर प्रेशर जो है वो कम हो चुका है किसी ना किसी टायर के अंदर। बाकी प्रेशर बता देते तो क्या चला जाता। अब मैंने जैसे चारों टायरों में चेक कराया कि प्रेशर किस में कम है किस में कम है। अब आदमी बार बार थोड़ी चेक कर सकता है, कहीं बाहर हो हाईवे पे हो कि एकदम से टायर प्रेशर कम हो जाए या बत्ती जल जाए, तो आदमी को यूँ पता लग जाए कि भाई कौन से टायर में कम है, उसमें टायर में हवा भर ले इन्फ्लेटर से, नहीं तो भरवा ले कहीं बाहर से। बाकी ये गलत बात है होंडा की, इवन i20 के अंदर भी आता है यार। i20 के अंदर यहाँ पे MID के अंदर शो करता है कि कौन से टायर में कितना प्रेशर है, इसमें वो शो क्यों नहीं करता भाई, ये गलत बात है होंडा की। एक सेगमेंट नीचे वो यूँ लगा लो i20, आपको पता है कहाँ कंपेयर कर सकते हैं इससे, होंडा सिटी से, कहाँ वो कहाँ ये। वो भी गाड़ी अच्छी है, ये भी गाड़ी अच्छी है, बुरी कोई नहीं है दोनों में से, लेकिन वो सेगमेंट छोटी है और इससे प्राइस कम है उस गाड़ी का, तो भी इसके अंदर जो है वो चीज़ नहीं मिलती और उसके अंदर मिलती है, जो कि होंडा की बहुत बुरी बात है। ये एक तो बत्ती अपने आप जल जाती है, माल फंक्शनिंग करती है, वो बात गलत है। एक तुम्हारी जो ये है प्रेशर भी नहीं दिखाता, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ देने का जब ये अपने आप जल जाता है। ऐसे तो आदमी हफ्ते 2 हफ्ते में गाड़ी का जो टायर प्रेशर हो खुद ही चेक करवा लेता है, हवा भरवा तेल डलवाता है जब गाड़ी के अंदर, हवा चेक करवा ही लेता है, आम सी बात है। ये तो यूं हो कि भाई कभी टायर पंचर हो जाए कुछ और हो जाए, हवा एकदम से निकल जाए, तब काम आता है कि आदमी इसको ही चलाता हुआ ना ले जाए, तो फिर फायदा क्या हुआ जब ये ऐसे ही जलनी है। आप टायर प्रेशर भी नहीं दिखा रहे इसके अंदर, i20 के अंदर भी आता है। या तो इसके अंदर आपको ये करना चाहिए था कि इसके अंदर आपको टायर प्रेशर शो करना चाहिए था, या फिर ये जो है माल फंक्शनिंग नहीं होनी चाहिए। अब मेरे साथ पर्सनली ये तीसरी बार हुआ है, ये 2 बार तो मैं पेट्रोल पंप पे चेक करा चुका हूँ, उसके अंदर भी 35-35 हवा है चारों टायरों में, तो भी इसकी जो ये लाइट है ना ये आ जाती है। अब मैंने चेक करा, अब सच्ची में कम थी, अब सच्ची में कम थी, और कई बार ये फ्री में अपने आप ही जल जाती है चलते चलते गाड़ी के अंदर, जब जी करे इसका कि हाँ जलने का जी कर रहा है, कई दिन हो गए जले आज जल जाती हूँ फ्री में ही, तो फिर फायदा क्या हुआ इस चीज का। तो होंडा को ये चीज सुधारनी चाहिए। अगर अब जैसे कोई फेसलिफ्ट आगे आए फ्यूचर में या और कुछ भी, तो उसके अंदर होंडा को डेफिनेटली यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का देना चाहिए कि यहाँ पे या तो प्रेशर दिखाई या फिर ये जो बत्ती है माल फंक्शनिंग ना करे, ये जो टायर प्रेशर सिस्टम है इनका ये माल फंक्शनिंग ना करे, जो कि बहुत बुरी बात है इस प्राइस रेंज की गाड़ी के हिसाब से, जो कि मुझे तो भाई बहुत गंदा लगा। होंडा का इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है, कुछ तो अच्छी चीज़ दे देते इसके अंदर। तो चलो भाइयों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।